राम ने राम गए आश्रम में तो सिर्फ राजकुमार के लिए था, वो आम आदमी में नहीं था, वहां एकलव्य को नहीं पढ़ने दिया, आम आदमी नहीं पढ़ता था, उसका एडमिशन ही नहीं मिला। ये व्यवस्था अंग्रेजों ने भी रखी, मुगलों ने भी रखी, सभी लोग एक लिमिटेड पर्पस के लिए स्कूल खोलते, चाहे वो बौद्ध धर्म वालों ने खोला हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म वालों ने खोला हो, या हमारे मठ वालों ने खोला हो, किसी ने भी खोला हो, सभी एक लिमिटेड पर्पस के लिए स्कूल चलाते थे। उसमें लिमिटेड बच्चे पढ़ते, लिमिटेड मतलब जिनको उसकी आवश्यकता है वो पढ़ते। आज पहली बार, आज मतलब ये पिछले कुछ डिकेड्स में पहली बार ये समस्या आ रही है कि हमने विद्यालय को सभी के लिए खोल दिया है। ये खोला तो है, लेकिन जो उद्देश्य थे उसके, वो हम लोगों ने अभी तक कुछ आ नहीं रखा। मैं अभी आपको प्रमाणित कर दूंगा और दिखा दूंगा। और यही मेन है कि हम लोग एक स्क्वायर होल में सर्कुलर चीज को फिट करना चाहते, इसीलिए आप देखिएगा ड्रॉप आउट होता है, इसीलिए बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए हमारी बहुत सारी समस्या। मुख्य मुद्दा यही है कि हम लोग जिस देश से विद्यालय चले, यह स्पष्ट होना चाहिए। हम लोग अभी लोग कह रहे थे, मतलब निकाले की बात कर रहे थे, किसी की बात कहिएगा, सभी वही काम किया है। बहुत हम कहेंगे आप बहुत अच्छा, करीब 1000 साल पुराना स्कूल है, लेने पुराना मठसब है, अद्भुत विचार चला रहे हैं लोग, लेकिन वो बौद्ध धर्म का प्रचार बना रहे हैं, बौद्ध धर्म धर्मावलंबी बना रहे हैं, उनका काम यही है। तो वो एक लिमिटेड पर्पस के लिए स्कूल था, उसमें लिमिटेड जिनको बौद्ध धर्म का अनुयायी बनना था, बौद्ध धर्म का प्रचार करना था, वो पढ़ते थे। जो लोग और भी उस तरह के स्कूल चलते थे, उसमें एक लिमिटेड उद्देश्य था। आज हम इसको ओपन कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं सभी लोगों के लिए, ओपन कर रहे हैं, तो हमारा स्कूल का उद्देश्य भी ओपन हो जाना चाहिए सभी के लिए। और ये बड़ी चुनौती है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग फंसे हुए हैं। और यही जो अभी आबादी करती है, या आबादी ने बताया है, जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे हैं, जितने भी सिलेबस हैं, ये सभी इसी में फंसे हुए हैं। और कैसे फंसे हुए हैं, मैं जरा सा दिखाऊंगा आपको और समझाने का प्रयास करूंगा, और उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। तो इससे पहले कि मैं उन चीजों पर आऊं, अब तीन चार अवधारणाएं मैं आपको बता देना चाहता हूं मॉडर्न एजुकेशन। एक, पहले क्या होता था, ये लोग समझते थे कि सिर्फ स्कूल में ही पढ़ाई होती, बाकी चीज कोई पढ़ाई नहीं। ये अवधारणा अब बदल गया, ये बदलने की जरूरत है आज भी, और ये हम लोग सभी सीखे जाए। हम पढ़ाई सीखने कहीं से भी, लता मंगेशकर कौन स्कूल में पढ़ी, दुनिया की सबसे बड़ी सिंगर, पता नहीं उसका रिजल्ट क्या हुआ होगा, स्कूल में कोई जानता नहीं। बहुत लोग सचिन तेंदुलकर सब फेले कर सकते, ये जो कौन स्टीव जॉब्स है और कौन बिल गेट्स है, सब फेल किया हुआ पार्टी में, अब दुनिया में दुनिया पर रूल करना है। ये समझिए, कोई जरूरी नहीं है कि स्कूल से ही पढ़ करके आप दुनिया में बड़े प्लेयर बन सकते हैं, ये बात समझने की जरूरत है। आप कहीं से भी सीखिए, सीखिए तो सीखना जरूरी है। पढ़ना एक पास बड़ा इंटरेस्टिंग रास्ता हूँ, समझा जब बच्चों से मैं पूछता हूँ कि स्कूल क्यों जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, स्कूल क्यों जाते हैं या क्यों भेजते हैं, क्या जवाब होगा, पढ़ने के लिए, समझ गए ना, ये यही जवाब होता है। सभी लोग कहते हैं कि बच्चा स्कूल जाओ पढ़ने के लिए। ये जरा सा एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, चलिए ये बाजार जो आपका जो बगल का बाजार है, और वहाँ देखिए कि लोगों को नौकरियाँ किस काम के लिए मिलती हैं, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए, किस काम के लिए ज़्यादा नौकरी मिलती है, किस काम से ज़्यादा नौकरी मिलती है, पढ़ने वाला कोई ना मिलेगा वहाँ, लिखने वाला थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ज़्यादा बोलने से ही पैसा कमाता है। आप जाकर देख लीजिए और इसको प्रकाशित कर लीजिए, लेकिन हम स्कूल में बोलने के लिए भेजते ही नहीं, बोलना सिखा दीजिएगा तो आधी नौकरी तो उसमें पक्की है, बिना बोले हुए नौकरी नहीं करती है वहां। चलिए बाजार में जाकर के देख लीजिए, जहां सबसे अधिक नौकरी मिलती है वो बोलने पर मिलती है। लेकिन ये हमारे स्कूल पे हमारा उद्देश्य ही नहीं, हम तो कहते हैं पढ़ने के लिए गए, हम
उसके बाद व्याख्या करते हैं लोग, तब बताते हैं कि नहीं भाई इसमें लिखना लिखना और बोलना और सुनना सुनना भी है। तुम वो पढ़ने क्या करते हैं, क्योंकि उनको प्लान बनाना था। आपको चूंकि आप लोग सभी शिक्षक हैं, इसे कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपने कभी सोचा कि संक्षेपण क्यों हम पढ़ते हैं? संक्षेपण पढ़ते थे ना, पता नहीं इतने लोग पढ़े समरी क्यों, डिबेट क्यों हम स्कूल में कराते हैं? सोचना चाहिए क्यों, अभी इंग्लिश से हम सिखा रहे हैं, हम क्या सिखा रहे हैं संक्षेपण क्यों, कहाँ जरूर होता है, कभी देखे हैं कभी संक्षेपण होते थे, कभी लाइफ में काम आया, काम आता है एक जगह, जब संचिका में लिखा जाता है, फाइल में लिखा जाता है, तो फाइल में जो भी लेटर आता है उसका संक्षेपण लिख दिया जाता है, संक्षेप में इस पत्र में यह कहा गया है और वो चार लाइन में आपको लिखना है, इसका उपयोग वही होता है। एक जगह और उपयोग होता है जो कि लोग इसमें करते हैं, अगर वही का तो मिस ये उनको गलत समझ जाइएगा, अखबार में लोग करते हैं, अखबार में लिखेगा उल्टा संक्षेपण होता है, पहले आपको तो एक लाइन में सब बात लिखी जाएगी फिर उसका विस्तार किया तो संक्षेपण पहले उसके बाद, लेकिन ये समझिए कि लाइफ की चीजों को भी हम लोग, अब देखिए क्यों ये मैं बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा, डिबेट क्यों सिखाते हैं, कभी सोचा डिबेट इसलिए सिखाते हैं क्योंकि दो जगह डिबेट क्या होता है, एक कोर्ट में, कोर्ट में वकील बना रहे थे तो इसीलिए डिबेट सिखा रहे थे, और एक होता था थोड़ा बहुत पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट उस समय तो नहीं बना था लेकिन उन लोगों को मुद्दा बनाना था। आप देखिएगा डिबेट का तरीका भी वही है कि जब हम पक्ष में बोलते हैं तो पक्ष में बोलते हैं, जब हम विपक्ष में बोलते हैं तो विपक्ष में बोलते हैं, ये एकदम तरीका वही है जो हाईकोर्ट में होता है। आपको मैं एक एक आइटम को मैं इसलिए करिकुलम की बात आपको कर रहा है कि आपको कंपनी से करिकुलम बनाया जा रहा है, इसीलिए ये बात समझिए, एक बात समझिए आप लोग सभी लोग यहाँ पर हैं, जैसा कितने लोग साइंस पढ़े हुए हैं, साइंस केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, ये सल्फर का एक्सट्रैक्शन क्यों पढ़ाया जाता है बकरी को, यानी कोई आदमी उसे समझा दे कि या क्यों करकुलम में रखे हुए लोग, सल्फर का एक्सट्रैक्शन सिसनी में होता है यह जान करके हम क्या करेंगे, ये उस समय जानने की जरूरत थी जब उनको माइनिंग करवाना था अंग्रेजों को, हम लोग आज तक नहीं बदले, मतलब वही चीज पढ़ा रहे हैं, उनको बाद में ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं थी, तो केमिस्ट्री पढ़ा करके यही ट्रेनिंग कर जाकर के लोकल से माइनिंग से जुड़ जाएगा, इसलिए वही बात है। रेलवे के लिए इम्प्लाई बनाना था तो रेलवे का टाइम और वर्क पढ़ाते थे हमको, एक गाड़ी घर से जाती है एक गाड़ी उधर से जाती है, पता नहीं किसी ने आकर तो देखा नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ट्रैक्टर दोनों गाड़ी आए घर पे और टकरा जाए बस अगर चला जाए, कभी ये सब हुआ नहीं, लेकिन हमने इसलिए पढ़ाया क्योंकि उस समय क्लियर थी, उस समय सरकार ने ये समझा कि ये आवश्यक है और उनके लिए वास्तव में आवश्यक था, ट्रेन स्टार्ट कर रहे थे वो ट्रेन के लिए वर्कर चाहिए था, तो आपको मैथमेटिक्स लीजिए फिजिक्स लीजिए केमिस्ट्री लीजिए सभी में वही चीज पढ़ाया जाता था जो कि जरूरी होता था जो उनके लिए जरूरी था, ये 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 कुछ के लिए था, ध्यान दीजिएगा। अब आप आ रहे हैं इसको ये व्यष्टि से समष्टि की ओर जा रहे हैं, यहां से अब आप सबके लिए जरूरी होगा, सबसे ज्यादा लोगों को का इंतजार किससे होता है, पेट किससे भरता है सबसे ज्यादा, कृषि से, हमारे यहां कृषि को कभी भी शिक्षा का माध्यम नहीं माना, आप साउथ कोरिया चले जाइए, साउथ कोरिया ने डेवलप किया है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण, उन लोगों ने कृषि आधुनिक कृषि को ही शिक्षा का मुख्य आधार बना दिया, सबसे ज्यादा नौकरी मिलेगी शिक्षा कृषि में, और कृषि हमारे किसी भी विषय में नहीं आता, किसी समझते हैं कृषि अगर सिखा दिए तो बच्चा सब गड़बड़ा जाएगा, अगर सीख लिया कि धान की उन्नत खेती कैसे होगी तो मामला कुछ गड़बड़ हो और नौकरी उससे मिलेगी, ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है कि हम क्या चाहते हैं, चाहते हैं वो ये सरकार चाहती थी, मैकॉले साहब चाहें जो भी चाहें जो भी व्यक्ति चाहें या हमारे धार्मिक गुरु चाहें, उन्होंने अपने हिसाब से पूरी
करिकुलम की डिजाइनिंग की, आज की डिजाइनिंग अब बदली, और ये बदलने का अधिकार कम्युनिटी को ही है, और कम्युनिटी को अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि हम अपने नागरिक को क्या बनाना चाहते हैं।